नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बराड़ा के गांव मलिकपुर में बीते दिनों डायरिया फैलने के बाद जहां स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए गांव में कैंप लगाकर अपनी टीम बैठा दी थी, वहीं जन स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लोगों को स्वच्छ पेयजल सप्लाई के लिए कार्यरत थी। इसी कड़ी में जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन अनिल चौहान, एसडीओ आरएस गर्ग और जेई अमनदीप सिंह ने गांव का दौरा किया। अधिकारियों ने जहां ट्यूबवेल से गांव में हो रही पानी की सप्लाई की जांच की, तो वहीं घर घर जाकर लोगों से जलापूर्ति की जानकारी ली। एक्सीएन अनिल चौहान ने कहा कि गांव में स्थिति अब कंट्रोल में है, पानी में क्लोरीन डाली जा रही है, अवैध कनेक्शन काटे गए हैं, गाँव में साफ पानी की आपूर्ति हो रही है। ग्रामीणों को कहा गया है कि यदि किसी तरह की समस्या आती है तो वो विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वहीं गांव में कैंप लगाकर बैठे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम ने बताया है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, घर घर जाकर ओआरएस का घोल बांटा जा रहा है। यदि किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो उसे बराड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उल्टी दस्त की हल्की शिकायत होने पर आज भी कई लोगों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, क्योंकि विभाग की ओर से निर्देश हैं कि यदि किसी ग्रामीण को उल्टी दस्त की हल्की सी भी शिकायत होती है तो उसे बराड़ा स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाए। बराड़ा से हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। ये गांव मलिकपुर भी मेरे पास है और यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, डायरिया फैल रहा है, लेकिन अब कंट्रोल में है। पहले जो कंडीशन थी वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो पेशेंट जा रहे हैं उनको ORS बांट भी रहे हैं, घर घर जा कर बांट रहे हैं और उनको पिला भी रहे हैं, और यहाँ से रेफ़र करने से पहले भी उनको ORS पिला के ही CSC भेज रही हैं, और अब पहले से काफ़ी कंट्रोल है। आज हम हमारे GSTO और मैं गांव मलिकपुर में जो डायरिया की शिकायत मिल रही थी उसके संदर्भ में मैं इंस्पेक्शन करने आया था, तो मैंने यहां पता करा और आगे गांव में लास्ट तक विज़िट करा और पाया कि जितने भी हमारे कनेक्शन सस्पेक्टेड थे, इनसेनेटरी कनेक्शन सस्पेक्टेड थे, वो काट दिए गए हैं। अब कोई भी कनेक्शन नाली में नहीं है। मैंने 5-4 घरों में जाकर बात करी, वो कह रहे कि हमारा साफ पानी आ रहा है और उस पानी में दवाई की स्मेल भी आ रही है, मतलब क्लोरीन की स्मेल आ रही है। तो पानी बहुत हद तक साफ है, फिर भी गांव के मौजूद आदमियों को मैंने कहा है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेन हो आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम 24 घंटे यहाँ पर लगती रहेगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है वो दूर करी जाएगी तुरंत करवा के। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।